हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि मैंने अपने रियलमी 3 प्रो डिवाइस में इसकी एंड्रॉयड क्यू वाली बीटा रोम को फ्लैश कर लिया था, जो कि ऑफिशियल रोम थी गूगल की तरफ से आने वाली। और रियलमी 3 प्रो डिवाइस उन चुनिंदा डिवाइसेस में से एक है जिनको कि एंड्रॉयड क्यू का बीटा रोम ऑफिशियली दिया गया है गूगल की तरफ से। तो ये अपने आप में काफ़ी कमाल की बात है कि भाई हमारे रियलमी 3 प्रो डिवाइस में, जो कि एक बजट सेगमेंट का डिवाइस है, एंड्रॉयड क्यू की बीटा रोम ऑफिशियली दी गई है। वरना पहले क्या होता था कि सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस को एक्सक्लूसिवली जो बीटा रोम होती थी वो मिलती थी एंड्रॉयड की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे डिवाइसेस को बीटा रोम इस बार प्रोवाइड करी है। तो रियलमी 3 प्रो डिवाइस में मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था और आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या नोन बग्स हैं जो कि अभी इसमें हैं, और साथ ही आपको कुछ और भी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि भाई जब इसमें रियलमी 3 प्रो डिवाइस में जब स्टेबल एंड्रॉयड क्यू आएगा तो क्या इसमें स्टॉक एंड्रॉयड दिया जाएगा जो कि अभी चल रहा है बीटा में। और साथ ही आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यह भी पूछा था कि क्या आप अपने रियलमी 3 प्रो डिवाइस में इसे फ्लैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मैं आपको करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी कमाल की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कि भैया एंड्रॉयड क्यू की बीटा रोम को फ्लैश करने के बाद हमें Realme 3 Pro डिवाइस के ऊपर क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंटरफेस पूरी तरह से स्टॉकिश हो जाता है क्योंकि ये बीटा रोम है, तो यहाँ पे कलर ओएस का कोई नामोनिशान भी नहीं है, यानी कि कलर ओएस फिलहाल इसमें है ही नहीं, इसमें पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉइड चल रहा है यानी कि Realme 3 Pro डिवाइस में। लेकिन जब आपको Realme 3 Pro डिवाइस में एंड्रॉइड क्यू का स्टेबल अपडेट आएगा तो वो कलर ओएस के ऊपर रैप करके दिया जाएगा, कलर ओएस के अंदर बंद करके दिया जाएगा एक तरह से, तो उसमें आपको कलर ओएस ही देखने को मिलेगा, साथ में एंड्रॉइड क्यू के कुछ फीचर्स भी डाल सकती है अगर Realme चाहेगी तो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता हुआ ये डिवाइस आपको मिल जाता है, पूरे आइकन्स रीडिजाइंड हैं, पूरा नोटिफिकेशन पैनल, क्विक टॉगल पैनल, सब कुछ आपको रीडिजाइन मिल जाता है जो कि पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लगता है क्योंकि ये एक्चुअली स्टॉक एंड्रॉइड ही है। और यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे एंड्रॉइड क्यू में आपको बाय डिफॉल्ट डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, तो अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो सिस्टम वाइड डार्क थीम अप्लाई हो जाती है। कुछ ऐप पर यह काम नहीं करती है जो ऐप सपोर्टेड नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में सपोर्ट करेगी। तो उसके बाद अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला डिवाइस होगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप ये डार्क थीम इनेबल करके रखते हैं। वैसे भी अगर आप डार्क थीम इनेबल करके रखते हैं तो रात के टाइम पे आपका फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी आसानी पड़ेगी, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड क्यू बीटा इंस्टॉल करने के बाद मैंने नोटिस किया कि आपको तीन टाइप के जेस्चर्स मिल जाते हैं। पहले तो नॉर्मल वही आपको तीन बटन वाला नेविगेशन मिलता है नॉर्मली जो होता था, उसके बाद आपको जो एंड्रॉयड पी में एक जेस्चर मिलता था यानी कि दो बटन दो कीज होती थी उसमें, एक पिलसी होती थी, तो वो वाला वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया था, बेकार लगा था मुझे। तो यहाँ पे एंड्रॉयड क्यू आने के बाद आपको आईफोन टाइप के जेस्चर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कमाल लगते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसमें स्वाइप करके बैक जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट से स्वाइप करके बैक जा सकते हैं, और होम पे जाना है सिंपली ऊपर की तरफ स्वाइप अप करेंगे तो होम पे जा सकते हैं, और रिसेंट मेन्यू भी काफ़ी आसानी से आप जंप कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन जेस्चर पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप जाते हैं नोटिफिकेशंस के अंदर और उसके बाद जब इसे स्वाइप करते हैं तो यहां पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इंटरप्टिव या फिर जेंटल। तो बाय डिफॉल्ट ये इंटरप्टिव पे रहता है ज्यादातर ऐप्स के लिए और कुछ ऐप्स के लिए जेंटल पे रहता है, तो अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी चूज कर सकते हैं कि भैया किसमें आपको इसे रखना है। अब यहां पे एक काफी कमाल का फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है जो कि आपने Xiaomi के MIUI वाले डिवाइसेस में ऑलरेडी देखा होगा। तो यहां पे अगर आपको अपने डिवाइस में किसी भी नेटवर्क पे ऐड होना है तो आपको यहाँ पे QR कोड स्कैनर मिल जाता है, सिंपली आप उसे ऑन करके और स्कैन करेंगे उसके बाद आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पे QR कोड की मदद से नेटवर्क को शेयर भी कर सकते हैं यानी कि नेटवर्क आईडी और पासवर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंड्रॉयड क्यू आने के बाद इसमें प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आप जाके प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको लोकेशन एक्सेस किन किन ऐप्स को दे रखा है उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड ऑप्शन दे दिया गया है सेटिंग्स के अंदर ऊपर ही, यानी कि आपने किन किन ऐप्स को लोकेशन एक्सेस
एक्सेस दे रखा है, किस टाइप से दे रखा है, वो सब चीज़ें आप एक जगह से ही मैनेज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एंड्रॉइड क्यू आने के बाद आपको डिजिटल वेलबींग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अब डिजिटल वेलबींग कोई नया फीचर नहीं है, एंड्रॉइड पी के साथ ही ये फीचर आ चुका था और यहाँ पे एंड्रॉइड क्यू के साथ भी इसे रिटेन किया गया है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो डिजिटल वेलबींग का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने सारा दिन में, सारे मंथ में, सारे वीक में कौन कौन सी ऐप्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया या किन किन ऐप्स को आपने ज़्यादा यूज़ किया, कितने टाइम के लिए यूज़ किया। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है अगर आप मोबाइल ऐप्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फीचर्स जो कि मैंने Realme 3 Pro डिवाइस में नोटिस किए एंड्रॉइड क्यू की बीटा रोम को फ्लैश करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ बग्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे Realme की तरफ से ऑफिशियली एक बग लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें आपको लेटेस्ट जो इसके बग्स चल रहे होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं Realme या फिर Google को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इनिशियल बिल्ड है तो इसमें बग्स होने के चांसेस पूरे हैं, तो बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे Realme या फिर Google को। और इस रोम में आपका फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस अनलॉक फीचर चलता हुआ नहीं मिलेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में इसमें जो डिफॉल्ट कैमरा दिया गया है वो स्नैपड्रैगन कैमरा है जिसका इंटरफेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो हो सकता है आपको ये पसंद ना आए। और साथ में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस रोम में कैमरा डुए पे बाई डिफॉल्ट इनेबल है लेवल 3 पे, लेकिन गूगल कैमरा अभी तक इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब तक मैंने कई गूगल कैमरा पोर्ट्स ट्राई किए इस पे, लेकिन एक भी नहीं चला। और साथ में यहाँ पे जियो की सिम भी सपोर्ट नहीं कर रही है और कई बार सिम सपोर्ट भी करती है, जैसे कि एयरटेल की सिम या आइडिया की सिम सपोर्ट भी कर रही है, तो जब आप कॉल करते हैं तो डायलर ऐप क्रैश हो जा रहा है। तो बेसिकली कॉल्स प्लेस करने में भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है इस बीटा रोम में। तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ डाउट्स ले लेते हैं जो आपके मन में होंगे कि क्या आपको अपने डिवाइस में एंड्रॉइड क्यू की बीटा रोम को फ्लैश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एक ही फ़ोन है और आप उसे अपना प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं और आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वापस आपको फिर से पुरानी रोम पे आना ही पड़ेगा। तो अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हाँ बैकअप लेके आप इसे अपडेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नए फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर आप इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। अगर कोई नई बीटा रोम मिलती है जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि क्या जब हमें स्टेबल अपडेट मिलेगा, स्टेबल क्यू अपडेट मिलेगा Realme 3 Pro डिवाइस में, तो क्या इसमें इसी तरह का स्टॉक लुक मिलेगा, तो इसका फिर से आंसर कर देता हूं, भाई स्टॉकिश लुक नहीं मिलेगा। आपको कलर वैसी देखने को मिलेगा, उसी के अंदर आपको एंड्रॉइड 10 यानी कि एंड्रॉइड क्यू दिया जाएगा, तो कलर ओएस मिलेगा आपको उसमें स्टेबल अपडेट में। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने फ्लैश कर लिया है वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा होगा ये एंड्रॉइड क्यू की बीटा रोम, तो आप इसमें से वापस जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जो एंड्रॉइड पी की स्टेबल रोम है कलर ओएस वाली, तो सिंपली आपको उस रोम फाइल को डाउनलोड करना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपने एंड्रॉइड क्यू की बीटा रोम फ्लैश करी थी अपने Realme 3 Pro डिवाइस में। तो सिंपली आपको अपने डिवाइस में उस फाइल को रखना है इंटरनल स्टोरेज में, और उसके बाद आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है, रिकवरी मोड में जाना है और सिंपली वहां पे आपको चूज कर लेनी है एंड्रॉइड पी वाली स्टेबल रोम को। उसके बाद आपका डिवाइस 3 मिनट के अंदर फ्लैश हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। तो गाइस Realme 3 Pro डिवाइस में एंड्रॉइड क्यू बीटा इंस्टॉल करने के बाद ये रहा मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो कि मैंने एक दिन में नोटिस किया, और इसमें और भी बग्स हैं, छोटे मोटे और भी बग्स हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं है, उतने मेजर नहीं है, उनसे आपका काम चल जाएगा, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ मेजर इश्यूज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स भी हैं, कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर इसके बारे में कुछ और अपडेट होता है, कुछ नई रोम आती है, तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना होने पाए, यानी कि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।